अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की फिल्म OMG 2 कमाल कर रही है। फिल्म की कहानी इतनी रिलेटेबल है और इस टाइम पर इस तरह की स्टोरी की इतनी ज़रूरत थी कि इस फिल्म को देखने के लिए अब जो 18 ईयर ओल्ड से कम लोग हैं वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सेंसर बोर्ड से कि फिल्म को UA सर्टिफिकेट दे दिया जाए, क्योंकि अभी उसे A सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिस वजह से 18 बिलो वाले लोग उसे देख नहीं सकते हैं। बट ये जो स्टोरी है वो बनी ही बच्चों के लिए हुई है। बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ ही ये स्टोरी देखनी चाहिए और जो इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस है उन्हें ही ये फिल्म देखने नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, फिल्म को सिर्फ 1000 स्क्रीन्स मिली है ऑल ओवर इंडिया, विच इज नॉट राइट, और ये इस फिल्म के साथ जस्टिस नहीं है। इनके ऑपोजिट रिलीज हुई है गदर 2, जो मासेस की फिल्म है और उसे भी बहुत प्यार मिल रहा है, लेकिन OMG 2 भी और स्क्रीन्स डिजर्व करती है और यही डिमांड सोशल मीडिया पर आम जनता करती नजर आई, क्योंकि फिल्म्स के लिए थिएटर्स के बाहर लाइनें लगी हुई है लेकिन शोज बहुत ही कम है। अक्षय कुमार की बहुत तारीफ हो रही है कि उन्होंने इस तरह के बोल्ड और सेंसिटिव टॉपिक वाली फिल्म पर अपना फेस दिया, क्योंकि अगर अक्षय कुमार जैसा कोई बड़ा सुपरस्टार इस तरह की फिल्म के साथ ना जुड़े तो हो सकता है कि ये फिल्म जो इतनी इम्पॉर्टेंट है वो हर किसी तक ना पहुंचे। इसलिए अक्षय कुमार को बहुत से लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि उनमें इतनी हिम्मत थी कि इस तरह के टॉपिक के साथ वो जुड़े हैं। वैसे तो OMG 2 और गदर 2 दोनों ही चल रही हैं काफ़ी अच्छी। गदर 2 की जहां शुरुआत बहुत धमाकेदार हुई, वहीं OMG 2 धीरे धीरे वीकेंड पर स्पीड पकड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रही है।